लंबे इंतजार के बाद पटना वासियों को अत्याधुनिक सड़क का तोहफा मिला है। पटना में बने आर ब्लॉक दीघा 6 लेन रोड का काम पूरा हो जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में निर्माणाधीन वेणुवन विहार पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप अररिया पहुंच गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के DPM रेहान अशरफ ने कहा कि अररिया जिला वासियों के लिए बहुत ही खुशी का पल है। इंडिगो एयरलाइंस के एयरपोर्ट मैनेजर रूपेश सिंह के पैतृक घर जलालपुर के संवरी गांव भाजपा के राज्यसभा सांसद से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पहुंचकर मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले को स्वयं देख रहे हैं। रोहतास जिले के ट्रक ऑपरेटर संघ ने आह्वान किया है कि ट्रकों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा अपनी मांगों पर विचार नहीं किए जाने से नाराज ट्रक ऑनर्स ने 15 जनवरी से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। नालंदा के जुनेदी गांव में एक साथ दर्जनों पक्षियों की मौत हो गई। बर्ड फ्लू की आशंका से लोगों में दहशत बनी हुई है। पक्षियों के मरने की खबर पशुपालन विभाग को दी गई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर समर्पण निधि कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर से भूमि और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने किया। उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी तक लोगों ने मंदिर टूटते देखा था, अब मंदिर का निर्माण होते हुए भी देखेंगे। कैमूर पुलिस ने पंडित जी के 13 साल के बच्चे के अपहरण मामले में खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ थाने की पुलिस ने बच्चे को यूपी के गाजीपुर से सकुशल बरामद कर उसे परिजनों को सौंप दिया है। मुजफ्फरपुर के परिवहन कार्यालय में बन रहे चोरी की गाड़ियों के कागजात छापेमारी के दौरान सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने परिवहन विभाग में छापेमारी की और 5 परिवहन कर्मियों को धर दबोचा। इसके बाद पूरे परिवहन विभाग में खलबली और अफरा तफरी मच गई। भोजपुर में कोइलवर थाना क्षेत्र के जलकू नगर के पास बड़ा हादसा हुआ है। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। इस भयानक हादसे में दोनों युवकों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।